उसके लगाव में, उसके प्यार में अगर उसको अपनाना है तो अगर जान देने की जरूरत पड़ेगी तो उसको कम नहीं है, वो आप जान। होती है और मालूम आपको कर दिया जाता है कि भाई किसी भी तरीके से ये सब हमने अपने आप पे ले लिया है। ये आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे इस मंच पर इतने सारे साधु संत बैठे हुए हैं। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे साथ इस मंच पर बैठे हुए मेरे सहयोगी गण, विधायक, पूर्व विधायक, एमपी, पूर्ण एमपी, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, ऐसे ऐसे लोग जिनके साथ मेरी जिंदगी राजनीतिक शुरू हुई थी। अब ये कैलाश मेघवाल जी बैठे हुए हैं आपके सामने, तो आपको दिखाई दे रहा है कहां से कहां हम लोग निकल के आए, परंतु आज मैं एक पंक्ति, दो पंक्ति के साथ आपका ये काम चालू करना चाह रही हूं। तो मेरे को सुन लो एक दफा और फिर बजरंग बली के जोरदार नारा अपने को लगाना है। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़े अब तेरे द्वारे, हैं? हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर अब करो कल्याण। आज ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा मत करो प्लीज, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हनुमान जी की नगरी में प्यार में एक परिवार दूर दूर से आया है और एक दूसरे के साथ जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है। यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और मैं उनके सामने नतमस्तक होकर इतना ही कहती हूं कि हे बालाजी, आपके चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि आने वाले समय के अंदर आप हमारे प्रदेश को आप उसको उसके संकटों से उभारने का काम जरूर करना, हमारे प्रदेश की जनता को आगे बढ़ाने का काम जरूर करना। और मुझे विश्वास है कि ये जगह चमत्कारी है, रोज रोज हमको चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। और आप ये बताइए कि कितना बड़ा चमत्कार है कि ये चूरू और आपके सीकर के बॉर्डर के ऊपर ऐसी बरसात आती है, कभी आती है? तरसते हैं। आज हनुमान जी ने छप्पर फाड़ कर हमको बोल दिया है कि मुझे प्यार है आप सबसे। पिछले वर्ष भी ये सालगिरह मैंने केशवराय पाटन में मनाई थी, उसके पहले गिरिराज जी महाराज के यहां गई थी और इस बार हमारे भगवान सालासर भगवान के चरणों में हम लोगों को सबको मिलने का मौका मिल रहा है। ये सालगिरह मनाने का समय नहीं है भाइयों बहनों, मैं सालगिरह नहीं मना रही हूं। 3 साल पहले मेरे को समझ में आ गई कि ये एक सैलाब प्यार का कैसे मिल सकता है। तो साल में एक दफा अगर मैंने कह दिया कि मेरे सालगिरह के दिन आओ, आप लोग आओ, हम सब एक दफा बैठ के मिलेंगे, तो मुझे समझ में आ गई कि साल में एक दिन में मेरे को वो समय मिलता है जब राजस्थान के कोने कोने से लोग आकर प्यार देने में कोई कंजूसी नहीं करते हैं। इस अवसर पर आप लोग जो भी यहां आए हुए हो उन सबको मैं होली की बहुत सारी शुभकामनाएं भी देना चाहती हूं। मैं याद करना चाहूंगी आज, प्लीज आप आगे वाले अब ये मत करना, मैं याद करना चाहूंगी आज मेरी गुरु, मेरी मां राजमाता साहब को, जिन्होंने मुझे यह सिखाया कि राजस्थान के समय जिस भूमि पर आप गए हो उसके लगाव में, उसके प्यार में अगर उसको अपनाना है तो अगर जान देने की जरूरत पड़ेगी तो उसको कम नहीं है, वो आप जान देने को भी तैयार होनी चाहिए। उन्होंने मेरे को यह कहा कि मजबूती के साथ मेहनत करना है
राजस्थान को और कुछ नहीं चाहिए, हमें मेहनत, सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे तब होगा। और उन्होंने ये भी मुझे ये कह दिया कि याद रखना अब ये सब आपका परिवार है, इस परिवार के लिए जितना भी हमको करना पड़ेगा वो हम करने को तैयार है। मैं पूरे मान और सम्मान के साथ आज अटल जी को याद करती हूं, वो अटल जी जिन्होंने पिता तुल्य, जो मेरे लिए पिता तुल्य थे, और जिन्हें जिन्होंने इतना प्यार दिया, और जिन्होंने कठिन से कठिन समय के अंदर मुझे डट कर किस तरीके से साहसी बनना है वो सिखाया। उनने कूट कूट कर साहस भरा कि मुश्किलें आएंगी, और मुश्किलें आएंगी तो उसको किस तरीके से हम लोगों को सामने खड़ा होके उस मुश्किल को चट्टान के जैसे, पूरा परिवार अगर खड़ा हो जाता है तो कोई उसको भेद नहीं सकता। मैं याद करना चाहूंगी आज श्रद्धेय भैरव सिंह जी को, वो श्रद्धेय भैरव सिंह जी जो मेरे राजनीतिक गुरु थे, जिन्होंने अपने आत्मविश्वास से मुझे सींचा और जिन्होंने राजनीति का पहाड़ा सिखाया मुझे, नहीं तो आज मैं यहां आप लोगों के बीच में खड़ी नहीं हो सकती। राजमाता साहब ने कहा दिल से काम करो, और भैरव सिंह जी ने समझाया कि उस दिल के साथ जब तक दिमाग नहीं लगाओगे तो वो काम हो ही नहीं सकता। दिल और दिमाग इस चीज को लेके जब जनता के बीच में उतरोगे और जनता इसमें आपके साथ जुड़ोगी तो कोई भी इस बीच के अंदर नहीं आ सकता है। जहां भी मैं देख रही हूं, जहां भी मेरी नजर जाती है, वहां अपने ही अपने नजर आते हैं। होली का त्योहार है, उसके बाद भी इतनी भारी संख्या में सब कुछ छोड़कर आप यहां आए हो, मैं कैसे धन्यवाद आप लोगों को दूं। हर दौर में आप लोग मेरे साथ खड़े रहे, कितनी भी बाधाएं आई, कितने भी अड़चन आए, कितनी भी कठिनाइयां आई ये पिछले सालों के अंदर, आप लोग मेरे साथ जिस तरीके से खड़े हुए, आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मेरा हौसला अफजाई बार बार करने का काम आपने किया। मैं आपकी अंतर मन से आभारी हूं। मेरी रोज की पूजा है, मैं भगवान को जब याद करती हूं सुबह सुबह नहा धो के पूजा करती हूं, तो उस पूजा के अंदर सबसे पहले मैं प्रार्थना करती हूं, और ये 4 साल से चलता आ रहा है कि भगवान आपने मेरे को एक ऐसा परिवार दिया है, इस परिवार के लिए मेरे से जो काम करवाना है वो करवाइए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि 4 साल में उतार चढ़ाव आने के बावजूद भी इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मुझे प्यार देते रहे, ये आज आप मेरे को देखने को मिला है। आपको याद दिलाती हूं, अपनी लंबी यात्रा है, 20-25 साल हो गए, अपन लोगों ने 2003 में यात्रा शुरू की थी परिवर्तन यात्रा के साथ, सबको याद होगा। हम और आप सब लोग मिलकर क्षेत्र में गए, हमने लोगों को वादा किया और हम लोगों ने उनको कहा कि अगर आप लोग हमको सेवा का अवसर